नमस्कार। न्यूज स्ट्रीट पर पहाड़ समाचार लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर है, 8 दिन पहले अपहरण हुआ बच्चा बरामद किया गया है। पुलिस ने देवबंद से बच्चे को सकुशल बरामद किया है। अपहरण के आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी दूर। आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई है। हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र के रोड़ी बेलवाला से 8 दिन पूर्व 2 युवकों ने मासूम बच्चे का अपहरण कर लिया था और परिजनों ने शहर कोतवाली में बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू कर दी और बच्चे को सकुशल उत्तर प्रदेश के देवबंद से बरामद कर लिया गया है। वहीं आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। फरार चल रहे अपहरणकर्ताओं की तलाश में पुलिस टीम लगी हुई है। बच्चे को देवबंद में छोड़ा गया था, जिसकी सूचना प्राप्त होने पर पुलिस टीम चूंकि वहीं पर लोकेशन के हिसाब से लगी हुई थी, तो बच्चे को बरामद कर लिया गया है। वो सकुशल है, उससे काफी सारी जानकारी, चूंकि बच्चा छोटा है, अभी थोड़ा सहमा हुआ है, तो उसको CWC और इसके तहत जो विधिक प्रक्रिया वो पूरी की जा रही है। पूरा करने के बाद जो जानकारी मिली है बच्चे से और उनके पेरेंट्स से, चूंकि आ चुके हैं, उनको हैंड ओवर किया जा रहा है। तो उसके बाद जब वो नॉर्मल हो जाता है, मुझे लगता है, तो उससे काफी सारी जानकारी हमें मिल सकती है। राहुल गांधी पर बोले सीएम धामी, राहुल गांधी ने हमेशा देश का मनोबल गिराया। पहले भी राहुल ने सवाल उठाए थे और चीन से उन्हें आर्थिक मदद मिलती। तो राहुल गांधी के बयान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार किया है। राहुल गांधी ने हमेशा सेना का मनोबल गिराया है, धामी की तरफ से यह कहा गया। पहले भी राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे और चीन से उन्हें आर्थिक मदद मिलती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से राहुल गांधी पर निशाना साधा गया है। राहुल गांधी से और कोई अच्छी अपेक्षा नहीं की जा सकती है देश को कि वो सेना का मनोबल बढ़ाएंगे, क्योंकि वो हमेशा सेना का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। और पिछले दिनों भी जब चीनी सेना से भारतीय सेना सीमाओं पर संघर्ष कर रही थी, उस समय भी वो चीन के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे। शायद इसके पीछे यह फैक्ट है कि उनके पिताजी के नाम से बना हुआ जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, उस राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की सरकार की तरफ से बहुत बड़ी आर्थिक मदद मिली है। शायद यही कारण होगा कि वो भारत की सेना का मनोबल तोड़कर चीन की सेना का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और देश भर में बिलावल भुट्टो के बयान का विरोध हो रहा है। उत्तराखंड में भी बीजेपी ने आक्रोश रैली निकाली, जिसमें हजारों कार्यकर्ता जुटे। इस दौरान भारी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरी और जमकर गुस्सा जाहिर किया। पाक के विदेश मंत्री के कुशल में जमकर लात घूंसों की बारिश भी हुई और देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में रैली निकाली गई, जिसमें शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, मेयर सुनील उनियाल रामा और विधायक खजान दास भी शामिल। तो बिलावल भुट्टो के बयान के बाद पूरे देश भर में इस बयान की निंदा की जा रही है। लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से बिलावल भुट्टो के पुतले फूंके गए हैं और विरोध दर्ज कराया गया है। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने के बयान पर देश में उबाल है। पीएम पर दिए बयान से भुट्टो की मुश्किलें बढ़ना लगभग तय हैं और पहाड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम, सड़क पर उतरा और उसका जमकर विरोध किया। यूएनएससी में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के विवादित बयान के बाद भारत में उबाल है। बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, जोरदार प्रदर्शन किया। पहाड़ में भी बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने इसका विरोध किया और बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, साथ ही पहाड़ के दिग्गज नेता भी इसमें शामिल हुए। विरोध के दौरान पाक के विदेश मंत्री के पोस्टर में जमकर जूतों की बारिश की गई। देखिए, देश के ही नहीं बल्कि विश्व के ऐसा नेतृत्व है जिसने विश्व शांति के लिए काम किया हो, ऐसे देश के मूर्धन्य नेता के प्रति एक देश का विदेश मंत्री अगर ऐसे शब्द का प्रयोग करता है, मैं आज कह सकता हूँ केवल मोदी का अपमान हुआ है, G20 के देशों के सभी नागरिकों का अपमान हुआ है कि आज G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है।
हम ये कहना चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो को शर्म आनी चाहिए। G20 की अध्यक्षता कर रहे जो नेता, जिसको आज पूरा विश्व का एक एक राष्ट्राध्यक्ष अपना नेता मान रहा है, उसके खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी करना निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है। राजधानी के अलावा प्रदेश के अलग अलग शहरों में भुट्टो के बयान की निंदा हुई है। सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने ढंग से विरोध जाहिर किया है। रुद्रपुर में विरोध की आग प्रदर्शन के दौरान नजर आई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष महावीर पवार और रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी के नेतृत्व में मुख्य बाजार में पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और भुट्टो का पुतला फूका। सभी ने एक स्वर में कहा कि भुट्टो जब तक माफी नहीं मांगते तब तक देश भर में प्रदर्शन जारी रहेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने जो गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, उसके खिलाफ आज पूरे भारत में जनता में आक्रोश है और इससे स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान अपनी आतंकवाद की नीति से बिल्कुल हटने के लिए तैयार नहीं है, जबकि पूरे विश्व समुदाय में आज उसकी थुक्का फजीहत हो रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जो गैर जिम्मेदाराना ये बयान दिया, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हम योनो से मांग करते हैं कि ये उनकी वहां पर उनकी सदस्यता खत्म हो और जब तक योनो में ये अगर माफी नहीं मांगते बिलावल भुट्टो तब तक ये पूरा प्रदर्शन पूरे देश में चलता रहेगा। एक बात तो तय है कि पीएम के खिलाफ भुट्टो का बयान उन्हें अलग अलग मंचों पर मात देने वाला है। इंडिया में हो रहे प्रदर्शन की गूंज पाकिस्तान के आकाओं के पास पहुंच रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में पाकिस्तान कैसे डैमेज कंट्रोल करेगा। टीम न्यूज टेक। और बिलावल भुट्टो के बयान पर पलटवार करते हुए सीएम धामी ने कहा कि भुट्टो वंशवाद के पोषित लोग हैं, बिलावल का बयान सारे हिंदुस्तानियों का अपमान है। तो जिस तरह से बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया, उसका विरोध अब पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। कल बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कई जगहों पर बिलावल भुट्टो के पुतले फूंके गए, जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया और इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिलावल का बयान सारे हिंदुस्तानियों का अपमान है। देखिए, ये बिलावल भुट्टो जैसे लोगों का नाम मैं लेना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन इनकी जो मानसिकता है, ये जिस संस्कारों से आए हैं, जिन चीजों से पोषित होते आए हैं, ये परिवारवाद के वंशवाद के सबसे बड़े पोषित लोगों में से रहे हैं। चाहे जुल्फिकार अलू भुट्टी हो, चाहे बेनजीर भुट्टो हो, या अब बिलावल भुट्टो हो, ये उसी वंशवाद की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज मोदी जी केवल भारत के नहीं बल्कि पूरे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। उनका इस प्रकार का बयान ये हमारे देश के 135 करोड़ लोगों का सीधे सीधे अपमान है। कहीं ना कहीं इस प्रकार का बयान जो पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति है, पाकिस्तान की जो हालत पस्ता है, जो खोखली वहां की अर्थव्यवस्था हो गई है, पाकिस्तान जिस प्रकार से बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है, उससे कहीं ना कहीं ध्यान बटाने का प्रयास है। बॉलीवुड की आने वाली फिल्म पठान को लेकर राजनीति के बहस चढ़ गई। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने भगवा रंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवा का सबसे ज्यादा अपमान बीजेपी ने किया है। उन्होंने कहा कि भगवा रंग साधु संतों और सन्यासियों का रंग है, जबकि बीजेपी ने भगवा को दुशाला बनाकर सबके गले में डाल दिया। बीजेपी को ये कहने का अधिकार नहीं है। जितना अपमान भगवा कलर का, भगवा जो है हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है, और उसका अपमान जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है, शायद ही किसी ने किया होगा। ये केवल ब्रह्मचारी लोग गहन करते हैं या जब पूजा कर रहे होते हैं उस समय भगवा पहना जाता है, लेकिन बीजेपी ने उसको दुशाला बना के सबके घरों में लटका दिया। और हम देखते हैं कि आदमी उससे अपनी गाड़ी का शीशा साफ कर रहा है, शाम को दारू पी रहा उसी से हाथ पोछ ले रहा है। तो भगवा का सबसे ज्यादा राजनीतिकरण और उसका अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया। हरिद्वार प्रशासन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। अर्की पौड़ी के पास बनी जानवी मार्केट में अतिक्रमण को भी ध्वस्त करने की तैयारी प्रशासन ने कर ली है, लेकिन व्यापारियों के विरोध के चलते ध्वस्तीकरण की कार्रवाई 3 दिन के लिए टाल दी गई और उसको लेकर सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह ने व्यापारी नेताओं के साथ में बैठक की। हरिद्वार में अर्की पौड़ी के पास बनी जानवी मार्केट को प्रशासन के द्वारा ध्वस्त किया जाएगा, लेकिन जब प्रशासन की टीम ध्वस्तीकरण के लिए पहुंची तो व्यापारियों का विरोध देखने को मिला, जिसके बाद अब
ध्वस्तीकरण की कार्रवाई 3 दिनों के लिए टाल दी गई है। सिटी मजिस्ट्रेट और व्यापारियों के बीच बैठक हुई है और बैठक में 3 दिनों के लिए ये जो कार्रवाई होने वाली थी उसे टाल दिया गया है। हल्द्वानी में स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी और जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह पानी की टंकी पर चढ़ गए। दरअसल रमेश जोशी अपनी टीम के साथ ब्लॉक ऑफिस में ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन ब्लॉक ऑफिस में कोई अधिकारी नहीं मिला, जिससे नाराज होकर पानी की टंकी पर चढ़ गए। मामला बढ़ता देख सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और रमेश जोशी और राजेंद्र सिंह को समझा बुझाकर नीचे उतारा, तो वही मौके पर वीडियो को भी बुलाया गया। तो ब्लॉक ऑफिस में ज्ञापन देने के लिए दोनों लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन ब्लॉक ऑफिस में कोई अधिकारी नहीं मिला, जिसके बाद राजेंद्र सिंह और सुराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी दोनों पानी की टंकी पर चढ़ गए। और टिहरी को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बड़ी सौगात दी है। 1,282,82,000 की 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। सतपाल महाराज ने टिहरी डैम से प्रभावित रौलाकोट गांव के 113 पात्र परिवारों को पुनर्वास विभाग द्वारा कृषि एवं आवासीय भूखंडों के आवंटन पत्र सौंपे हैं। 101 परिवारों को करीब 29,68,00,000 रुपए के चेक वितरित किए गए। इसमें 29,32,40,458 रुपए के चेक बांटे गए हैं और इसमें जो है हमने आवंटन पत्र भी दिए हैं और ये बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारे विस्थापित हुए हैं उनको आज यह मुआवजा मिल रहा है और सब लोग अपने पैरों पर खड़े होंगे और क्षेत्र का विकास होगा। जैसे मैंने कहा कि ये हमें तो पुस्तें मिले और लोगों ने अपनी पुस्तें बना दी, तो हम लोग भी यहाँ के लोगों की पुस्तें आगे बन सकें उसके लिए महाराज जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत सी बातें देखी। जिस तरह से स्विट्जरलैंड, उस तरह से टिहरी अगर इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनेगा तो सबसे बड़ी जो बात है बेरोजगारी की, नौजवानों के हाथों को काम देने की, उसका काम महाराज जी कर रहे हैं और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और देहरादून में परेड ग्राउंड में बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ सीएम धामी ने किया। और इस खास चैंपियनशिप में प्रदेश से यूपीपीसीएल, भेल, उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड शिक्षा विभाग जैसे विभिन्न सरकारी कार्यालयों से खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस दौरान सीएम धामी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता से सभी विभागों में आपसी तालमेल बनेगा, जिससे प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। आज यहाँ पर अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई है और ये प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिता आयोजित होती है। हमारी सभी को शुभकामनाएं और सबसे अपेक्षा भी हमने की है कि अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में सभी विभागों के अधिकारीगण, कर्मचारीगण आपस में मिलकर इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, जिससे निश्चित रूप से आपस में जहाँ पर एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, खेलते हैं, परस्पर एक बॉन्डिंग होती है। उस बॉन्डिंग से निश्चित रूप से हमारे जो कार्य है, कार्य करने की जो पद्धति है, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सहयोग होगा, बहुत बड़ा वो तेजी से आगे बढ़ेगा। और देहरादून में सीएम धामी ने आवास पर ट्यूलिप की 13 प्रजातियों का रोपण किया, जिसमें बैगनी और काले रंग की ट्यूलिप की प्रजाति शामिल है। इस मौके पर सीएम ने उद्यान प्रभारी से बातचीत की और पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मौन पालन को और ज्यादा बढ़ाया जाए, ताकि पिछले साल भी सीएम आवास पर ट्यूलिप की 7 प्रजातियों का रोपण किया गया था। उद्यान प्रभारी ने बताया कि साल 2017 में ट्यूलिप गार्डन को बनाया गया, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया और इस बार सीएम आवास पर पुष्प वाटिका बनाई जा रही है। और सीएम धामी आज सुबह ONGC अंबेडकर स्टेडियम में भ्रमण के लिए पहुंचे। सीएम धामी ने स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से बातचीत की। सीएम ने खिलाड़ियों और खेल भावना से युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए कई बिंदुओं पर सार्थक पहल के साथ जागरूकता करने की बात कही है। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों और स्थानीय लोगों के साथ में स्थानीय टी स्टॉल पर एक सामान्य नागरिक की तरह सरकार की ओर से चलाई जा रही कई योजनाओं का फीडबैक लिया।
खबरें लगातार जारी हैं, रुकते यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्द से तुम ना रुको, चले चलो जंडुबाम सरदर्द बदन दर्द में दे आराम। चले चलो दर्द से ना रुको ना झुको, चले चलो जंडुबाम। च्यवनप्राश के नाम पर विज्ञापनों का प्रोपेगंडा आपने बहुत देखा, लेकिन रियल हिस्ट्री यह है कि बूढ़े च्यवन ऋषि इसे खा करके जवान हो गए थे। ऋषियों के ज्ञान व वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश खाइए, लंबी आयु ताकत व इम्यूनिटी पाइए। उत्तर प्रदेश आज पावर सरप्लस और रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। आज प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देश में निवेश के सबसे आकर्षक गंतव्य के रूप में दुनिया का निवेश अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यूपी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के शानदार माहौल से प्रभावित होकर खाड़ी देशों के उद्यमी 6 सेक्टर में निवेश करने के लिए उत्सुक है। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय, एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। रुकिए बात आगे बढ़ते हैं। गैरसैंण में एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर हरीश रावत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र रावत के सीएम रहते हुए काफी घोषणाएं की थी, लेकिन उन्हें अचानक पद से हटना पड़ा। ऐसे में जब वो सीएम थे तभी उनको गैरसैंण पर कोई ठोस प्लान तैयार करना चाहिए था। तो बड़ा आसान तरीका है कि हम एक कैलेंडर जारी करें कि भाई इन 3 महीने विधानसभा ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से संचालित होगी, तो फिर ये तमाम तरह के सवाल अपने आप स्वतः बंद हो जाएंगे, और इसलिए सरकार को निर्णय लेना चाहिए उसके बारे में, मेरा सुझाव है। त्रिवेंद्र सिंह जी को समझ आई थी, लेकिन बड़ी देर में आई। जब उन्होंने गैरसैंण के लिए 25,000 करोड़ की बात कही, ग्रीष्मकालीन राजधानी की कही, जबकि हम राजधानी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी एक उनका जो है राजनीतिक सगुफा था, और उसके बाद चले गए। अब उनके जाने के बाद अरे एक मुख्यमंत्री ने सपना दिखाया, तुम वहां बोर्ड भी नहीं लगा पा रहे हो ग्रीष्मकालीन राजधानी का, एक चपरासी बना दो। मुझे मेरे मन में ये तीस हमेशा रहेगी कि हम इस राज्य के साथ न्याय नहीं कर पाए, चाहे कोई राजनेता हो। उत्तराखंड में सीमा से लगे गांव में हो रहे पलायन पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि प्रदेश के कई गांव वीरान हो गए हैं, हमें संभावना तलाशनी होगी कि क्या ये गांव फिर से आबाद हो सकते हैं। सीमावर्ती गांव का भी देश की सुरक्षा में अहम योगदान होता है, इसलिए यह जरूरी है कि यहां फिर से आबादी को बसाया जा सके। यहां पे जो है पलायन के बारे में कि लोग जो है गांव-गांव छोड़ करके जो हम लोग जो है शहरों की तरफ आ रहे हैं, यह एक आर्थिक और सामाजिक समस्या है, और इसके लिए मुझे पूरा यकीन है कि उत्तराखंड की मौजूदा सरकार जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि इस तरह के पलायन को रोका जा सके। कि जो हमारे आखिरी गांव हैं और वहां से लेकर के जो भारत और चीन की जो सीमा है उसके बीच में काफी फैसला है, काफी अनऑक्यूपाइड एरिया है, मतलब आप घंटों तक चलते रहें, अगर आप हरसिल जो आखिरी गांव है वहां से अगर 5-6 घंटे भी चले तभी आ जाकर के आप बॉर्डर पर पहुंचेंगे। तो इन एरियाज के ऊपर जो है डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, इनके ऊपर जो है क्या हम इन एरियाज को दोबारा पॉपुलेट कर सकते हैं। उत्तरकाशी में पहाड़ी इलाकों में लोगों को मदद पहुंचाने के लिए ऑपरेशन मददगार चलाया गया, लोगों को कैसे मदद पहुंचाई जा सके देखिए इस पर हमारी रिपोर्ट। आसमान को छूता नायाब ड्रोन, दुर्गम पहाड़ पर उड़ान भरते जरूरतमंदों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था।
दरअसल उत्तराखंड की दुर्गम पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों के लिए ऑपरेशन मददगार चलाया जा रहा है। ड्रोन की मदद से लोगों को दवाएं पहुंचाई जा रही हैं। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मददगार। ऑपरेशन मददगार में सबसे पहले हम इसमें जो मेडिसिन है उसको डालेंगे। कितनी मेडिसिन जा रही है और कहाँ जा रही है? सर, ये 1 kg मेडिसिन जा रही है, उत्तरकाशी के लिए डिलीवर कर रहे हैं। 1 kg मेडिसिन। 1 kg मेडिसिन। और इस ड्रोन का नाम क्या है? इस ड्रोन का नाम है हाइब्रिड वीटॉल। बादल को चीरता आगे बढ़ रहे इस ड्रोन का नाम अर्जुन है। अर्जुन ड्रोन की मदद से लोगों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सकती है। ड्रोन से महज 45 मिनट में 70 किलोमीटर का एरियल डिस्टेंस कवर किया जा सकता है। ड्रोन 1 घंटे 30 मिनट की उड़ान भरते हुए उत्तरकाशी तक दवाओं और 5 किलो तक कोई भी सामान पहुंचाकर वापस आ सकता है। ड्रोन की क्या खासियत है ये भी समझना चाहेंगे हम, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कितनी कैपेसिटी है। मैं ये क्वाड कॉप्टर ये जो अभी बना है ये 6 से 7 किलो 8 किलो 10 किलो तक उठा सकता है। इसमें डिपेंड करता है कि हम इसका एंड्योरेंस कम कर दें, और इसकी बैटरी की पावर हम बढ़ा दें तो हम इससे ज्यादा कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा एंड्योरेंस कम हो जाएगा तो कम देर के लिए फ्लाई करेगा लेकिन ज्यादा सामान लेकर फ्लाई कर सकता है। ये ड्रोन जो कि 5 kg तक का आपका वेट उठा करके मूवमेंट कर सकता है, उसकी उसको कैसे हम ये नहीं है अर्जुन को कैसे हम चेक करेंगे, मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? ये है मोबाइल यूनिट जो आप सामने देख रहे हैं। इस मोबाइल यूनिट का नाम है नभ नेत्र। ITDC का रिसर्च सेंटर हाईटेक ड्रोन बनाकर इसका इस्तेमाल शुरू किया गया है। ड्रोन से पहाड़ों पर तुरंत मदद पहुंचाई जा सकी। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ड्रोन किसी संजीवनी से कम नहीं। आसमानी फरिश्ते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों की जान बचा रहे हैं इस पूरी पहाड़ी इलाकों में। और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में काफी ड्रोन का इस्तेमाल, इस तरह के तमाम ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो भविष्य में किया जाना है इन पहाड़ी इलाकों में। सिर्फ सर्विलांस ही नहीं, लोगों की जान बचा रहे हैं ये ड्रोन। विजुअलिस्ट अभिजीत कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। हरिद्वार में अब चेतक पुलिस अलग अलग वेशभूषा में नजर आएगी। दरअसल SSP ने 34 चेतक जवानों को दूसरे चरण में देहात थाना क्षेत्र के थानों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो 24 घंटे जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपातकालीन हालात में आवश्यक मदद करेंगे। देहात क्षेत्र में जो हमारे चीता मोबाइल चलती है और जो सभी सूचनाओं पर खासकर जो हमारे क्राइम से अपराध से हो, झगड़े से हो, उस पर तुरंत रिएक्शन के लिए जाते हैं। तो ये स्मार्ट पुलिसिंग के कॉन्सेप्ट में आता है कि अच्छे से उनकी ड्रेसेस हों, उनको अपने वेपन रखने के लिए अच्छी किट मिले, उनका मोबाइल भी रहे, उसमें डायरी भी रहे। तो इसको देखते हुए किट का डिस्ट्रीब्यूशन भी था। यहाँ 64 पुलिसकर्मी जो थे चीता में लगे उनको किया गया। मेन पर्पज था कि सभी कर्मचारियों से एक बार मिल लेना, उनको स्मार्ट पुलिसिंग के तहत ये किट बांटना और साथ ही साथ जो चीता मोबाइल में है इनकी सुविधाओं को देखते हुए कि अपने वेपन अन्य चीजों को ठीक से रख पाए, इसलिए आज ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया। ऋषिकेश में राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही। ABVPC अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। छात्रों ने भी अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उत्तरकाशी में बर्फबारी न होने से सुबह सुबह पाले ने अपनी बढ़त बना ली है, जिससे सूखी ठंड बढ़ गई है। और अगर तापमान की बात की जाए तो यमुना घाटी क्षेत्र में इन दिनों न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के करीब है, जबकि अधिकतम तापमान 22 डिग्री पहुंचा हुआ है। शाम के वक्त ठंड को लेकर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड तो साहब बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस बार, अब रोज रोज पाला पड़ जाता है और पाले से जो है ठंड ज्यादा बढ़ रही है। और बारिश अगर एक बार हो जाती तो ये सूखी ठंड भी खत्म हो जाती है। अब यहाँ तो 11 बजे हमारे पास घर में, मतलब हमारे घर में 11 बजे धूप आती है, तब तक तो हमारे पास आग ही का सहारा है। सुबह शाम तो बहुत सूखी ठंड पड़ रही है, ठंड का तो कोई जवाब नहीं है साहब। और न्यूज़ स्टेट पर खबरें लगातार जारी है, रुकते यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।